हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसी ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 10, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। वी आर कंटिन्यू डिस्कस चैप्टर 5, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 5.3, क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें क्या फाइंड करना है कि हमें कितनी टर्म्स लेनी है, तो उसका सम क्या है, 636। इट मीन्स एन की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें क्या गिवन है, सम। इट मीन्स एस एन गिवन, तो जो गिवन है उसको राइट करेंगे एस एन 636। गिवन एपी में फर्स्ट टर्म हमारे पास, इट मीन्स ए इक्वल टू 9 एंड कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म 17 माइनस 9। 17 में से 9 माइनस करेंगे, ये आएगा हमारे पास 8। अब जो गिवन होता है उसी का हम फॉर्मूला यूज करते हैं। एस एन का फॉर्मूला, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, पुट द वैल्यूज, इंप्लाइज दैट वैल्यू ऑफ एस एन इज 636 इक्वल टू एन, हमें फाइंड करना है एन अपॉन टू टू मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ ए 9 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ डी इज 8। सिंप्लीफाई करेंगे अब 636 एन अपॉन टू 9 टू 18 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 8। अब देखिए इसमें से 2 कॉमन आ सकते हैं, इसके मल्टीप्लाई में 2, 8 में 2 का डिवाइड जा सकता है, 18 में भी 2 का डिवाइड जा सकता है, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे इसमें 2 एन अपॉन 2। 2 कॉमन लेने पर 18 में 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 9 प्लस एन माइनस 1, 8 में 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, रिमेनिंग पार्ट 4। 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, 636 इक्वल टू एन 9 प्लस ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 4 को एन से मल्टीप्लाई करेंगे 4n और 1 से करेंगे तो 4 बन जाए 4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n 9 में से 4 माइनस कर देंगे 5 प्लस 4n। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, n को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5n प्लस एन को 4n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर, क्योंकि n की पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है, बेस इक्वल है तो पावर प्लस हो जाती है, एक्सपोनेंट फॉर्मूला यूज करते हैं 4n स्क्वायर। अब देखिए 636 को इधर ट्रांसफर कर देंगे हम, तो इसको डिक्रीजिंग एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग राइट करेंगे 4n स्क्वायर, उसके बाद 5n, ये इधर ट्रांसफर होगा तो माइनस का 636 और इक्वल टू में क्या बचेगा हमारे पास, 0। अब इसका फैक्टर हम करेंगे, फैक्टर करने के लिए हम सिर्फ चार ही फॉर्मूला, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये सेकंड चैप्टर में आपके पास डिस्कस हो जाएगा, पॉलिनोमियल चैप्टर है सेकंड, इसमें डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं, सीधे सीधे चार का फॉर्मूला, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 अपॉन में 2। सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको जनरल इक्वेशन से कंपेरिजन करके ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखिए ये एन स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर,
इसके मल्टीप्लाई में 4 है तो वैल्यू ऑफ ए क्या हो जाएगी 4। तो हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं वैल्यू ऑफ ए 4। सेकंड टर्म्स ये बी एक्स या 5n प्लस का, तो n से ये x, तो कांस्टेंट टर्म्स क्या है यहाँ वहाँ पर b और यहाँ पर 5, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। सी डायरेक्ट हमारे पास माइनस का 636, सी वैल्यू ऑफ सी माइनस का 636। अब पुट करेंगे एबीसी की वैल्यू, पुट द वैल्यू, अब जो गिवन इक्वेशन है वो हमारी किस फॉर्म में, एन की फॉर्म में, और यहाँ पर जो जनरल इक्वेशन है उसमें वेरिएबल एक्स है, तो जो गिवन इक्वेशन में वेरिएबल है उसी के इक्वल करेंगे, तो यहाँ पर एन इक्वल करेंगे क्योंकि एन की फॉर्म में है। एन इक्वल टू पुट करेंगे वैल्यूज, माइनस डी की वैल्यू क्या है 5 प्लस माइनस रूट 5 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ ए 4 एंड वैल्यू ऑफ सी माइनस 636 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ ए 4। एन इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस सिंप्लीफाई करेंगे 5 का स्क्वायर 25, 5 इंटू 5 25, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मेरे पास 4 4 16, 636 को मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, 636 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 36, 3 कैरी 6 3 18 प्लस 3 21, 2 कैरी 6 6 36 प्लस 2 38, 1 से करेंगे 6 3 6, ये 6 7 8 प्लस 3 11, 1 कैरी 6 प्लस 3 9 और 1 10, तो आएगा हमारे पास 10 176, 10176 अपॉन में 4 2 8। एन इक्वल माइनस 5 प्लस 9 रूट 10176 में 25 प्लस कर देंगे, 25 प्लस करते हैं 6 प्लस 5 11, 1 कैरी 7 प्लस 2 9 और 1 10, 1 कैरी 1 प्लस 1 2 0 1, 10201 अपॉन में 3। अब स्क्वायर रूट 10201 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, तो हमारे पास आएगा ये एन इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 101 है, 10201 का स्क्वायर रूट 101 अपॉन में 3। अब क्या करेंगे, हम एक बार को प्लस का साइन लेना है और एक बार माइनस का साइन, एन इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस प्लस 101 अपॉन 8 एंड एन इक्वल टू माइनस 5 माइनस 101 अपॉन 8। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एन इक्वल टू 101 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास प्लस का 96 अपॉन 8, एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे यह आएगा माइनस का 106 अपॉन 8, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू यानी नेगेटिव टर्म्स हमारे पास हो नहीं सकती, तो इसको ये इनवैलिड है, इनवैलिड, इसको ड्रॉप करेंगे हम, इसी को कंसीडर करेंगे पॉजिटिव वैल्यू, 96 में 8 का डिवाइड करेंगे, 8 1 8 एंड 8 2 16, एंड वैल्यू ऑफ एन की आई हमारे पास 12, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी इसकी 12 आंसर, तो हैंस टोटल टर्म्स यहाँ राइट करेंगे आंसर, हैंस नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन एपी इज एन इक्वल टू 12 आंसर, एन इक्वल टू 12 आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400,
फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, ये हमें फाइंड करना है सॉल्यूशन। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अटेंड करने के लिए सबसे पहले जो गिवन होता है उसको आप नोट करेंगे, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इट मीन्स ए इक्वल टू 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म हमारे पास क्या होती है, एन से डिनोट करते हैं या फिर स्मॉल एल से भी डिनोट करते हैं, जैसे कि हमने सम ऑफ एन टर्म्स के फॉर्मूले में डिस्कस किया था, एन इक्वल टू 45 लास्ट टर्म एंड द सम इज 400 इट मीन्स एस एन गिवन है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, हमें एन फाइंड करना है एंड द कॉमन डिफरेंस एंड साथ में डी फाइंड करना है। ओके, तो वन बाय वन देखिए, ये भी हमने आपको बता रखा है कि जो गिवन होता है उसी का ही हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम कौन कौन से दो फॉर्मूले यूज करेंगे, एक तो एन का nth फॉर्मूला एन टर्म्स फाइंड करने का और सम ऑफ एन टर्म्स का, एस एन भी गिवन है और ए एन, तो दोनों फॉर्मूले यूज करेंगे। ए एन इक्वल टू होता है हमारे पास nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड डी। ओके, और एस एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू, इसमें टू फॉर्मूले हमने आपको डिस्कस किए थे, एक तो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये भी आप यूज कर सकते हो, या फिर आप शॉर्ट में भी यूज कर सकते हो ए प्लस ए एन, ये भी हमने डिस्कस किया। लास्ट टर्म होती है इसमें ए प्लस ए एन या फिर ए प्लस एल, दोनों फॉर्मूले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये शॉर्ट होगा कैलकुलेशन के लिए, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखिए इसको अप्लाई करते हैं फॉर्मूले को, वैल्यू ऑफ एन 45 एंड वैल्यू ऑफ ए 5 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। अब इसमें अप्लाई करते हैं वैल्यू ऑफ एस एन 400 एन अपॉन 2, वैल्यू ऑफ ए गिवन है हमारे पास 5 प्लस 45, ए एन भी गिवन है 45। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 400 इक्वल टू एन अपॉन 2, 45 प्लस 5 50 में 2 का डिवाइड जा सकता है, 2 1 2 ये 25 टाइम्स, ये हो गया हमारे पास 25 मल्टीप्लाई एन, 25 एन इक्वल टू 400 के इक्वल, जो चीज मल्टीप्लाई होती है वो डिवाइड में पहुंच जाएगी हमारे पास 400 अपॉन 25। 400 में 25 का डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 25 बन जाए 25, रिमेनिंग 15 150 एंड 6 का 150, 400 में 25 का डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 16। तो वैल्यू ऑफ n हमारे पास फाइंड हो चुकी है 16। अब जो n की वैल्यू आपके पास फाइंड हुई है आप इसमें पुट करके d की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 60, तो n की वैल्यू हम 16 इसमें पुट करेंगे, 45 इक्वल टू 5 प्लस 16 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 को इधर ट्रांसफर किया तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 16 में से 1 माइनस करिए 15 डी 45। अब देखिए इसको ऐसे राइट कर सकते हैं 15 डी इक्वल टू, मैं इसको राइट कर सकते हैं 45 में से 5 माइनस करें तो क्या आएगा हमारे पास 40 एंड डी इक्वल टू 40 अपॉन 15। 5 से कैंसिल हो सकता है 40 भी और 15 भी, 5 थ्री जा 15 एंड 5 एट जा 40, तो डी की वैल्यू आएगी हमारे पास 8 अपॉन 3, वैल्यू ऑफ डी 8 अपॉन 3। तो हमें यही फाइंड करना था, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास आ गई हैंड्स, एक लाइन में जो है राइट करनी है हैंड्स द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स एन इक्वल टू 60 एंड कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 8 अपॉन 3 आंसर।